नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के दो फाइनलिस्ट आखिरकार मिल ही गए। जी हां, क्वालिफायर टू में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया। आपको बता दें, आईपीएल इतिहास में तीसरी बार केकेआर की टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। अब फाइनल मुकाबले में 15 अक्टूबर को कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जो पहले क्वालिफायर को जीतकर पहले ही आईपीएल के फाइनल में जगह बना चुकी थी। आपको बता दें, ये मैच रोमांच की हदों को पार कर गया। एक लो स्कोरिंग मैच में जबरदस्त टक्कर दिल्ली कैपिटल्स ने दी, लेकिन आखिरकार कोलकाता की टीम ने बाजी मार ली। दिल्ली ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए थे और एक समय लग रहा था कि लक्ष्य बेहद आसानी से कोलकाता की टीम हासिल कर लेगी, क्योंकि पहले विकेट के लिए ही शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी ने 12.2 ओवर में ही 96 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। शुभमन गिल ने 46 गेंदों पर 46 रन, वहीं वेंकटेश अय्यर ने 41 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली थी। यहां से लग रहा था कोलकाता आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन बीच के ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों ने जबरदस्त मैच में वापसी की और जल्दी जल्दी विकेट निकाले। कोलकाता को आखिरी ओवर में 7 रन बनाने की जरूरत थी। अश्विन ने इस दौरान अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी निकाल दिए थे, लेकिन राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार छक्का लगाकर कोलकाता की टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। आपको बता दें, जहां चेन्नई की टीम रिकॉर्ड 9वीं बार आईपीएल का फाइनल खेल रही है, वहीं कोलकाता की टीम तीसरी बार आईपीएल का फाइनल खेलेगी। अब देखना है 15 अक्टूबर को आईपीएल 2021 के टाइटल की जंग में एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स विजेता बनती है या फिर एयन मॉर्गन की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।